हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ेंगे आज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। क्या पढ़ेंगे? ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। हाँ, पिछले क्लास में हम पढ़े थे इनर्जी डेंसिटी, तो दो मिनट उसको क्लियर कर देते हैं। इनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला यह था, इनर्जी डेंसिटी आया था सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक। यानी कि कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लस क्यू है माइनस क्यू है, एरिया से डिवाइड कर दो तो आ गया प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आया था कितना, सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट आया था। अब सोचो कि इसको हम अगर एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, कोई दिक्कत? एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दे और मल्टीप्लाई कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या करेंगे, वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट। अच्छा हाँ, एप्सिलॉन नॉट इन टू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कर सकते हैं, और सिग्मा स्क्वायर पहले से है, ठीक, और एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई किया। फिर से यह आया था एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आया था, अरे फोर्स पर यूनिट एरिया और एनर्जी डेंसिटी लास्ट लाइन तो ही था ना, जस्ट पिछले लेक्चर में, ठीक। तो हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिए, कर दिए। तो यहां पर हो गया एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और यह एप्सिलॉन नॉट, तो इसको कर सकता है वन बाई टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। और यह बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर होता कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, याद आ गया। यदि फाइनली आया हाफ, इसको लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर का स्क्वायर। यानी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता, ये हुआ एनर्जी डेंसिटी, क्या हुआ एनर्जी डेंसिटी, यह हो गया सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट, और हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा यूज होता है, हमेशा यूज होता है, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब हुआ एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी बाय वॉल्यूम। यानी किसी क्यूब में अगर निकालना हो एनर्जी, तो क्या करेंगे, एनर्जी डेंसिटी से क्यूब के वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। इसको लिख लो, देखिए लिख लिए। एक और फॉर्मूला आया था, इसको बता दें, बता दें, आया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो उसको भी क्लियर कर दे, उसको भी क्लियर कर दे। तो आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये हम पढ़ चुके हैं, बस दो मिनट घड़ी देख के, दो मिनट। यह डी वन डिस्टेंस था, याद करो, एक दो प्लेट था, कितना प्लेट था, दो प्लेट, एक पर प्लस क्यू और एक पर माइनस क्यू। इसको खींच खींच करके ना स्लोली, स्लोली मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब नेट फोर्स जीरो, सबका एक ही मतलब होता है, स्लोली बड़ी प्यार से, ठीक। तो पहले कितना डिस्टेंस पर था, डी वन पर, अब कितना हो गया, डी टू पर। तो इसको जो खींचे वह एनर्जी इतना ही दूर में स्टोर हो गया, इतना ही दूर में स्टोर हो गया, स्टोर हो गया, ठीक है। तो यह आया था कितना, याद करो, सिंपल सी बात है, सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट इनटू इस वॉल्यूम से गुना कर देंगे, सिंपल सी बात है। इसका वॉल्यूम कितना आया, एरिया इंटू डी टू माइनस डी वन, यह एनर्जी।
अरे वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो आएगा एनर्जी डेंसिटी, अब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एनर्जी। अच्छा वेरी गुड। अच्छा सिग्मा क्या लेते हैं बोलो? क्यू बाई एरिया, क्यू बाई एरिया, ठीक है, यानी क्यू स्क्वायर बाई एरिया स्क्वायर इंटू वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया डी टू माइनस डी वन। ओके ठीक आ गया, पढ़ लिए। लेकिन सोचता हूं कि पढ़ क्यों रहे हैं, बता रहे हैं। सोचो कि दो कैपेसिटर, सॉरी दो प्लेट ऑफ कैपेसिटर काफी क्लोज होता, और क्लोज होता, और क्लोज होता। कहने का मतलब हुआ कि एट टी बराबर जीरो डी वन टेंस टू जीरो, टेंस टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो, सटा हुआ नहीं था लेकिन बस जस्ट एकदम जस्ट बगल में था, सटा हुआ नहीं था लेकिन जस्ट बगल में था। ओके समझ में आ रहा है हमारी बात? आ रहा है। तो डी वन जीरो हो गया, डी वन क्या हो गया? जीरो। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि यह प्लेट जो था ये प्लस क्यू है, एकदम जस्ट बगल में था, एकदम जस्ट बगल में, ठीक। यानी कि डी वन क्या था बोलो? जीरो नहीं था, टेंस टू जीरो बहुत करीब, खींच खींच के ले गए कहां पर? डी पर। यानी कि डी टू मेरा कितना हो गया? डी। एंड टी टी हो और डी टू क्या हो जाएगा? डी। यानी इसको खींच खींच कर कहां ले गए? डी पर ले गए। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर जो क्या होगा, ध्यान दो, क्यू स्क्वायर बाय, हाँ एक एरिया काट दो, एक एरिया को हमने काट दिया, क्या बोलो? क्यू स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट ए, टू एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक। और D2 तुम्हारा कितना हो गया बोलो? D। और D1 कितना हो गया? जीरो। यानी Q स्क्वायर D by 2 epsilon not A, यही हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा और सजा दो, 2 epsilon not A by D, इसको नीचे ले आए, और इसको क्या कहते हैं बोलो? तो क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते हैं, कहते हैं कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके तो फाइनली रिजल्ट कितना हो गया, ध्यान दो, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, ये फॉर्मूला हो गया। और क्यू बराबर क्या होता है? सी भी, इसको मिटा देते हैं, लिख लिया। क्यू बराबर क्या होता है? सी भी, क्यू बराबर सी भी, क्या होता है? क्यू बराबर सी भी। एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो गया? सी भी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू सी, हाफ सी स्क्वायर भी स्क्वायर बाई सी, हाफ ये कट जाएगा सी भी स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला हुआ। ये क्या हुआ? फॉर्मूला हो गया। तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी कहो, क्यू स्क्वायर बाई टू सी कहो, या हाफ सी भी स्क्वायर कहो, या और भी निकाल सकता है, हाफ सी भी इंटू भी, हाफ क्यू भी, कोई दिक्कत? तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हो गया हाफ क्यू भी कहो, हाफ सी भी स्क्वायर कहो, या क्यू स्क्वायर बाई टू सी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही है। इसको लिख लो, ठीक। अब इसको भी लिख लिए, उसको भी लिख लिए, हम अब आज हम लोग ग्रुपिंग और कैप्चर नहीं पढ़ेंगे, ठीक ना? नहीं पढ़ता है, कुछ और क्लियर करेंगे तो खूब समझ में आए ग्रुपिंग, ठीक है? ठीक, ग्रुपिंग नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ग्रुपिंग। ग्रुपिंग हल्का होता है, देखो जैसे मान लो कि अगर हम लिखते हैं, एक मान लो कि बैटरी है, एक बैटरी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस भी, समझो, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी है,
या हाइयर की लोअर है, हाइयर है, ये क्या है, लोअर है, हाइयर है, लोअर है, हाइयर है, लोअर है, ये हाइयर तो यहाँ भी हाइयर है, तो ये हाइयर है तो यह प्लस क्यू हो गया, ये माइनस क्यू हो गया। तो सिखाया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रॉन जमा होगा, इलेक्ट्रॉन भाग आएगा, प्लस होगा, माइनस होगा, सब समझ में आ गया। तो क्या हो गया कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस भी ही होगा, क्योंकि जब तक नहीं कहा जाए यह सुपर कंडक्टर होता है। क्या होता है? सुपर कंडक्टर, रेसिस्टेंसलेस वायर। ओके, चलो, तो ये हाइयर है, लोअर है, ये प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, ये सी है। तो बताओ, यह आपका प्लस क्यू, ये माइनस क्यू और सी। अब देखो, यह ये मान लो, यह मान लो बी, कोई दिक्कत, सी हो गया कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, जो फिक्स्ड होता है, जो फिक्स्ड होता है, जो फिक्स्ड होता है, वो डिपेंड करता है ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज पर। पोटेंशियल के बढ़ाने घटाने से चार्ज पर फर्क पड़ेगा, कैपेसिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए अब तुम बताओ, अब ये माइनस वी भी करेंगे, देखो अगर तुम ए में से बी घटाते हो, ध्यान देना, आज का क्लास इंपॉर्टेंट है, ए में से बी घटाते हो, ए में से बी घटाते हो तो ए पर का चार्ज लेंगे, और लेकिन प्लस क्यू बाई सी, फिर से वी भी माइनस बी करते हैं, अगर बी में से ए घटाते हैं, बी में से ए घटाते हैं तो बी में से ए घटाएंगे, लिखेंगे माइनस क्यू बाई सी। इस छोटा सा बात ध्यान देना, जिसमें से जिसको घटाएगा उतना पर चार्ज बाई सी, इसको भी लिखो, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, दे दिए, ठीक। फिर देखो आगे लिख लेना, लिखना देखो, मान लो कि एक कैस्टर है, एक क्या कैस्टर है, ध्यान दो, यह बैटरी आ गया, मेरे एक एक एग्जाम्पल समझना, चैप्टर अब लास्ट होगा, अभी 7-8 क्लास लगेगा लेकिन लास्ट हो जाएगा जल्दी, इस वीक में देखते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन ये चैप्टर खत्म, करेंट तो ऐसे खत्म हो जाएगा मुंह से। देखो ये हाई एक लोअर, बोलो हाइयर, ये क्या है, लोअर, ये क्या है, हाइयर, ये लोअर। तो चलो, ये यहाँ पर क्या होगा, प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, ये होता है प्लस चार्ज होगा और माइनस चार्ज होगा, हाइयर लोअर, ठीक। तो उसको थोड़ा सा बोलता की भाषा में फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का, सब जानता है फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का, प्लस चार्ज का फ्लो नहीं होता है, रियल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ऐसे कर दो, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, तो हम चाहते हैं कि एक ही साथ करंट भी पढ़ ले, क्या पढ़ ले, करंट, क्या पढ़ ले, करंट। तो बताए थे कि करंट में फ्लो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट क्या होता है, करंट, इतना जानता ही होगा ना, इतना जानता होगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट क्या होता है, करंट, फिर समझो, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट क्या होता है, करंट। तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे फ्लो होगा, ऐसे, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोजिट करंट, यानी कि ऐसे करंट होगा, लेकिन हमको तो करंट पढ़ना नहीं है, हमको तो पढ़ना है फिलहाल क्या, इलेक्ट्रोस्टैट। तो सोचो कि अगर इलेक्ट्रॉन का ऐसे फ्लो हो रहा है, जान दो इलेक्ट्रॉन का ऐसे फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ऐसे फ्लो हो रहा है, तो करंट ऐसे हो, करंट पढ़ना नहीं। तो मैं समझो कि अगर नेगेटिव चार्ज को आप फ्लो ऐसे समझ लें, अब प्लस चार्ज ऐसे पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर, फिर से करो, इसको ऐसे करो, मान लो कि एक कैपेसिटर है, सेम कैपेसिटर है, यह हाइयर है, क्या है, लोअर है, हालांकि बोलते हैं सही तरीका यही, सही तरीका ही है, लेकिन आप ऐसे बोलेंगे लिखेंगे एग्जाम में नंबर गलत नहीं होगा, क्योंकि चेक करने वाले भी वही समझते जो हम लोग समझ रहे हैं। ओके, तो यह हाइयर है, क्या है, लोअर है, तो मान लें कि यह प्लस क्यू हो गया, ये क्या हो गया, माइनस क्यू, समझ में आ गया, बोलो समझ में आ गया, यह सी फिक्स है, सी क्या है, फिक्स है। तो यहां पर एक कंसेप्ट आता है, ध्यान दो, किरचॉफ्स का,
किरचॉफ्स का लॉ पढ़ना है स्पेशली करंट में, ठीक। लेकिन हम यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पर बता देते हैं, ध्यान दो, तीन चार एग्जाम्पल लेंगे, समझ में आ गया, आज समझ में आ गया, आप विश्वास करो आज के बाद ऐसा कोई टॉपिक नहीं है खासकर इलेक्ट्रोस्टैट में और करंट में जो समझ में नहीं आए। इसलिए अभी का 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जो ही पढ़ेंगे एकदम एक कागजचित्र बगुली की तरफ पढ़ो। चलो तो यहाँ पर देखो किरचॉफ्स क्या कहते हैं, कहते हैं कि इन एनी क्लोज सर्किट, बोलो इन एनी क्लोज सर्किट, इन एनी क्लोज सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर, जो फिलहाल अभी पढ़े नहीं है, अक्रॉस कैपेसिटर जो पढ़ रहे हैं, अक्रॉस बैटरी शुड बी जीरो। फिर से लिख दो, लिखो तो किरचॉफ्स लॉ, लिखो तो किरचॉफ्स लॉ, दो गो लूप होता है, दो गो रूल होता है, देखो किरचॉफ्स लूप रूल, देखो इन एनी क्लोज सर्किट, देखो इन एनी क्लोज सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ, इधर दिख रहा है क्या साइड में देखना, और कट जाए तो जो बोले उस पर ध्यान देना, अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ कैपेसिटर कॉमा रेसिस्टर, यहां नहीं पढ़ना है लेकिन जहां बातें की, एंड अक्रॉस द बैटरी विल बी जीरो। फिर से सो बोलते हैं लूप रूल, क्या बोलते हैं लूप रूल, क्या बोलते हैं लूप रूल, तो क्या होता है इन एनी क्लोज सर्किट, करंट में लिखा ना, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है, किसी क्लोज सर्किट में, किसी बंद सर्किट में अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो, किसके किसके क्रॉस, रेसिस्टर के क्रॉस, कैपेसिटर के क्रॉस, बैटरी के क्रॉस, सबको जोड़ देंगे जीरो हो जाएगा, सब लिख लो, ठीक है, ये भी लिख लिए। तो हम चाहेंगे तो यहां भी कर सकते हैं, देख लो, जैसे मान लो यह भी क्या है, भी नंबरिंग करो, आप नंबरिंग एबीसीडी भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 भी कर सकते हैं, हमको पता है कि आज क्लास पढ़ा रहे हैं तो लोग पहली बार देख रहा है, एक कभी ना कभी तो पहली बार देखेंगे, लेकिन एक में नहीं समझ में आया, दूसरा में नहीं समझ में आया, तीसरा में, चौथा में, पांचवा में, तब तक समझाएंगे जब तक समझ में नहीं आता, नहीं आ जाता, ठीक। चलो लिख लिए, चलो एग्जाम्पल दूसरा देते हैं, इसमें भी है छोटा एग्जाम्पल, सब पढ़ा देते हैं, मिटा रहे हैं। किरचॉफ्स लूप रूल, बोलो किरचॉफ्स लूप रूल, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास आज, देखो जिससे मान लो कि तुम कुछ वैल्यू लेते हैं, जिससे मान लो कि यह 2 माइक्रोफेराड है, देखो जिस तरह से कूलम बहुत बड़ा यूनिट होता है, याद है कूलम बहुत बड़ा यूनिट होता है, उसी तरह से फेराड भी बहुत बड़ा यूनिट होता है, इसलिए लिखते हैं कौन माइक्रो में, खैर बात की बात, इसको आप जोड़ दिए किसी बैटरी से, मान लो कि 10 वोल्ट का बैटरी है, कितने वोल्ट का बैटरी है, 10 वोल्ट का, यह हाई है लोअर, बोलो हाई है, ये क्या है लोअर, ये क्या है हाई है, ये क्या है लोअर, ठीक। सोचो कि अगर हम इसको ए मान लें, सीखना ए बी सी डी कोई पॉइंट अपने मन से नाम मान लेते हैं ताकि नंबरिंग करें, तो हम ये भी बताए थे कि जब तक नहीं कहा जाए वायर कैसा होगा,
रेसिस्टेंस लेस, क्या होगा रेसिस्टेंस लेस, या रेसिस्टेंस लेस मतलब यहां का जो पोटेंशियल होगा यहाँ के बराबर होगा, यानी कि ए ए ए ए यहां भी ए, ठीक। यह अगर बी मानते हैं तो यह भी रेसिस्टेंस लेस है, बी 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 बी, देखो तो यह ए हो गया, बी हो गया, बी हो गया तो बी हो गया, ठीक है। अब तुम लगाओ किरचॉफ्स, क्या लगाओ किरचॉफ्स, तो यहां से यहां और फिर यहां से यहां, तो देखो इन लूप ए बी ए, ए बी ए, देखो वी ए माइनस वी बी, जो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू जीरो, सोचो वी ए माइनस वी बी जो वी एस वी ए इक्वल टू जीरो, बंद हो गया ना। अच्छा हम बोले कि हायर लो, बोलो हायर, तब इससे पहले सिखाया कि हायर होगा तो ऐसे प्लस क्यू मानेंगे, यह क्या होगा माइनस क्यू, स्वाभाविक है। यानी कि मोटा मोटी ठेठ में प्लस क्यू के डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे और प्लस क्यू के अपोजिट क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, या क्या बोलिए, प्लस क्यू के डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे और प्लस क्यू के मूवमेंट के अपोजिट क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, या एरो के डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे, एरो के अपोजिट नेगेटिव लेंगे। इसको रटो तुम चार बार, एरो के डायरेक्शन क्या लेंगे पॉजिटिव, एरो का अपोजिट क्या लेंगे नेगेटिव, एरो डायरेक्शन में पॉजिटिव, एरो का अपोजिट नेगेटिव, एरो डायरेक्शन में रटते रहो, ठीक है। तो यहाँ अगर हायर है तो यह एरो ऐसे है, एरो ऐसे है का मतलब है कि प्लस चार्ज है, या करंट में करंट डायरेक्शन है, ध्यान दो, हम दो दो चक्कर लेकर चल रहे हैं, उगना मत, ऐसे एरो है मतलब प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो यहाँ प्लस क्यों हो गया। अब देखो वी ए माइनस वी बी जस्ट पहले स्टार्ट किए थे, वी ए माइनस वी बी, तो इसमें से इसको हटाएंगे तो प्लस क्यू बाई लेके सी, यानी प्लस क्यू बाई सी यानी कि टू, यहां से यहां हो गया वी बी माइनस वी ए, कंसेप्ट ऑफ बैटरी पढ़ाए थे, ये लोअर में से हायर घटाएंगे तो नेगेटिव लेंगे, अगर इधर से इधर जाते क्या लेते पॉजिटिव, आज यही पढ़ाएंगे हेरा फेरी, इन्हें क्यों होने के अन्य है, तो इधर से इधर लेंगे, इधर से इधर नेगेटिव माइनस टेन वोल्ट हो गया जीरो, और क्यू बाई टू इक्वल टू टेन, क्यू इक्वल टू टू इंटू टेन यानी कि ट्वेंटी माइक्रो वोल्ट, ठीक है। कितना अभी हम बहुत पढ़ेंगे, 20 मिनट और पढ़ेंगे, देखो उगना मत और सीखना। चलो मान लो कि समझ में नहीं आए, समझ में नहीं आए, समझ में नहीं आए, फिर समझो, इसे मान लो, इसे मान लो कि 20 माइक्रो फैराड है, टेन माइक्रो फैराड है, ठीक, या मान लो कि 40 वोल्ट है, ठीक, कोई बात नहीं है। यहां से यहां तक एक पोटेंशियल, यहां से यहां तक अलग पोटेंशियल, और यहां से यहां तक अलग पोटेंशियल, लेकिन यहां से यहां तक बराबर पोटेंशियल, यहां तक यहां, यहां से यहां तक आपस में बराबर, यहां से यहां तक आपस में बराबर, मतलब अगर इसको ए मानते हो तो यह ए होगा, ए ए ए ए ए ए ए, यहां से यहां तक पोटेंशियल बराबर होगा, सिखा रहे चूजा के तरह, बच्चा के तरह सिखा रहे हैं। इसको तुम बी मानते हो, बी 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 बी, ठीक, सी 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 सी, हो गया, यह हायर के लोअर है, बोलो हायर है, हायर के लोअर हायर है, तो एरो ऐसे देंगे, ऐसे एरो देंगे देंगे देंगे, हो गया लगातार। अब तुम सीखो भी, अब दिमाग लगाओ, एरो के डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लो, एरो के डायरेक्शन में
पॉजिटिव लेंगे एरो के अपोजिट नेगेटिव लेंगे या यू कहो कैपेसिटर में एरो देखेंगे, बैटरी में टर्मिनल देखेंगे, टर्मिनल देखेंगे। समझ में आ गया? करंट खत्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म। गौरव ने इसको रटो चावल। एरो के डायरेक्शन क्या लेंगे? पॉजिटिव। एरो का ऑर्बिट क्या लेंगे? नेगेटिव। कैपेसिटर में क्या देखेंगे? एरो देखेंगे। और बैटरी में क्या देखेंगे? टर्मिनल। ओके चलो, तो ये हायर इसलिए एरो मार दिए। अब देखो लाइन में जितना भी है, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, बैटरी है, बैटरी में चार्ज, बैटरी में नहीं प्लस की माइनस की करेंगे, फिर से घूमते घूमते फिर चले हैं। किरचॉफ साहब क्या कहते हैं? इन लूप रूल, इन लूप। लूप का मतलब जहां से स्टार्ट करो फिर वहीं चले आओ। घंटी मार रहा है, जहां से स्टार्ट करो वहीं पर चले आओ। ठीक है, तो तुम यहां से स्टार्ट किए। देखो ए बी, देखो ए बी सी, फिर ए, देखो ए बी बी है, सी ए, ठीक है। देखो वी ए माइनस वी बी, वी बी माइनस वी सी, वी सी माइनस वी ए इक्वल टू जीरो। जिनको भारी लगता होगा घबराइएगा नहीं, हम एग्जाम्पल पढ़ाएंगे, ऐसा मतलब एग्जाम्पल पढ़ाएंगे लेकिन सीखना पड़ेगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो तीन लेक्चर होता है जो कि मस्ट होता है, समझना पड़ता है, अब समझना ही पड़ेगा। जो नहीं समझते क्या समझिएगा, तो खबर ही नहीं, उसके लिए एग्जाम्पल पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं। देखो वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी प्लस क्यू बाई ट्वेंटी, क्या लिखेंगे बोलो? प्लस क्यू बाई ट्वेंटी, प्लस क्यू बाई ट्वेंटी। वी बी माइनस वी सी, वी माइनस वी सी प्लस क्यू बाई टेन, वी माइनस वी सी, वी सी माइनस वी ए, वी सी माइनस वी ए माइनस फोर्टी इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। समझ में आ गया? तो ऐसा हो गया तो आप चार्ज क्रिचॉप खत्म हो गया, लेकिन इससे आप चार्ज निकाल सकते हैं। इसको लिख लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। ठीक, तो यहां पर देखो टू से मल्टीप्लाई थ्री क्यू बाई ट्वेंटी इक्वल टू फोर्टी, क्यू कितना आ जाएगा? फोर्टी इंटू ट्वेंटी बाई थ्री माइक्रो कूलम, क्यू निकल गया। ठीक, देखो मान लो कि यह भी समझ में नहीं आया, यह भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, दो तीन बैटरी लेंगे। क्या लेंगे? दो तीन बैटरी लेंगे। जैसे मान लो कि ये आपका है, एक बैटरी बना लो, एक कैप्चर बना लो, बैटरी बना लो। हालांकि इस टाइप का सवाल एच सी में है, और हो सकता है डाटा अलग हो, लेकिन बात वही है। खैर प्रैक्टिस करते हैं। मान लो कि 10 माइक्रो फराड है, 20 माइक्रो फराड है, मान लो कि 100 वोल्ट है, 200 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिख रही है, लेकिन क्वेश्चन में ही आप ऐसा मत लिखना, आप नया फिगर बना के ही ऐसा लिखेंगे, ताकि आपको लगे कि क्वेश्चन है और नीचे वाला उसका आंसर है। ओके चलो, यह कितना वोल्ट है? 200 वोल्ट। देखो हाइयर वोल्ट इसका ही है, आई लोअर है, तो इसके हिसाब से एरो चलेगा 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 चलेगा। इसका हाइयर इधर है, ध्यान दो, इसका हाइयर इधर है, इधर क्या है? लोअर है। इसके हिसाब से ऐसे चलेगा। अब सब सवाल है कि इसके हिसाब से एरो इधर, इसके हिसाब से एरो इधर, तो फाइनल हम क्या करें? कुछ मत करो, किसी को मान लो, तो किसी को मानेगा ना, तो वो आएगा रिजल्टेंट,
क्या आएगा रिजल्टेंट। हो सकता है हमारी बात समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन कोशिश करो। तो आदमी जान करके गलती नहीं कर सकता है, जान करके गलती नहीं कर सकता है, जान करके गलती नहीं कर सकता है। तो कोशिश करेंगे कि जो बड़ा बैठी हो उसी के हिसाब से लेंगे, बड़ा बैठी हो उसके हिसाब से चलेंगे। मेरा बड़ा बैठी है 200 वोल्ट है, ये 100 वोल्ट है, तो देखो इसके हिसाब से अगर चलते हैं, इसके हिसाब से चलते हैं तो यह प्लस क्यू माइनस क्यू, फिर ऐसे बढ़ते 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 यहाँ प्लस क्यू ये माइनस क्यू, तो क्या क्यू कैपिटल क्यू जो है 200 का है कि 100 का, कैपिटल क्यू 200 का है कि 100 का, 200 का नहीं, उसमें 200 भी है और 100 दोनों शामिल है, हम टैक्सल ये है 200 के टैक्स में। तो मान लो कि हम है इधर से कोई खींचा 5 मीटर से, इधर से खींचा मान लो कि 12 मीटर से, तो 12 - 5 = 7 हुआ, तो जो 7 आएगा वो दोनों का रिजल्टेंट हुआ। नहीं समझा, फिर से हम है इधर कोई खींचा हमको कितना से 12 मीटर से, ये खींचा कितना से 5 से, तो मेरा मूवमेंट 7 हुआ, तो 7 जो हुआ वो इधर के डायरेक्शन हुआ लेकिन हुआ रिजल्टेंट। ठीक उसी तरह से जो क्यू आएगा जो भी आंसर आएगा उसमें 100 भी शामिल है 200 भी शामिल है लेकिन डायरेक्शनल नहीं है 200 के हिसाब से। अगर हम 100 के हिसाब से लेंगे तो मेरा आंसर आएगा लेकिन वैल्यू में निगेटिव आ जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ाएंगे जहां पर हमको खुद पता नहीं चलता है कि निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। तो वैसे से कुछ मान लेते हैं पॉजिटिव आया तो सही है, नेगेटिव आया तो उसको उलट देते हैं। फिर बात की बात बाद में, फिलहाल देखो ये प्लस क्यू है, क्या है प्लस क्यू है, क्या है प्लस क्यू है, नाम में तो कुछ नाम कहीं से रख रहे हैं, यहाँ शुरू करो, यहाँ शुरू करो, कहीं शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ शुरू करते हैं, यह ए है, यह बी है, सी है, और इस पर 2-3 लेक्चर खत्म कर देंगे तब आएंगे अपने ग्रुपिंग में, क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये खत्म चैप्टर खत्म। ए बी सी, चलो डी मान लिए डी। लूप साहब क्या कहते, किरचॉफ साहब क्या कहते, लूप ऐसा नहीं कि ए से स्टार्ट करें, बी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखो बी सी, बी सी डी ए फिर बी, और ऐसा भी नहीं कि एरो के डायरेक्शन में चलेंगे, एरो के अपोजिट चल सकते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक लिखिए, ये 100 वोल्ट, सोचो वी बी माइनस क्या होगा बी सी, बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस बी डी प्लस बी डी माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी बी को 0, बोलो 0। ठीक है, बोलो ठीक है, ठीक है। भी बी माइनस बी सी, भी माइनस बी सी, तो ये बैटरी है कि कैपेसिटर है, बोलो बोलो क्या है, बैटरी है। तो बैटरी में क्या देखते हैं, टर्मिनल कहते हैं टर्मिनल, तो ये हायर है क्या है लोअर है, तो हायर में से लोअर घटा रहे हैं प्लस की माइनस, बोलो प्लस, यानी कि 100 वोल्ट। अब यहाँ तो कैपेसिटर है वीसी माइनस वीडी, एरो के डायरेक्शन में, एरो कहीं भी दे दो एरो, मतलब वही एरो, एरो कहीं भी एरो, वीसी माइनस वीडी, वीसी माइनस वीडी प्लस क्यू बाई 20, अगर इसमें से घटाएंगे तो प्लस क्यू बाई 20, इसमें से घटाएंगे तो माइनस क्यू बाई 20, तो प्लस क्यू बाई 20। फिर वीडी माइनस वीए, देखो ये बैटरी है, क्या है बैटरी, बैटरी में क्या देखते हैं टर्मिनल, तो देखो बी डी लोअर में से हायर घटा रहे हैं, लोअर में से हायर घटा रहे हैं, लोअर में से हायर माइनस 200। फिर बी ए माइनस बी बी, एरो ऐसे है, एरो का डायरेक्शन है पॉजिटिव, प्लस क्यू बाई 10, प्लस क्यू बाई 10 इक्वल टू 0, क्यू निकाल लो, इसको नया फिगर बना कर फिर से लिखो, लिख लिए चलो। तो
और एग्जाम्पल देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? इसको प्रैक्टिस करो, अभी इसी को प्रैक्टिस करेंगे तब हम आएंगे ग्रुपिंग में। तो एक इंपॉर्टेंट क्लास दो तीन क्लास करा ही देंगे तब आएंगे ग्रुपिंग में, ठीक है? ओके बाय।